केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर चीनी कंपनियों को झटका दिया गया है। आपको बता दें, भारत सरकार ने दूसरी बार फिर से 47 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। ये केंद्र सरकार द्वारा दूसरी बार चीन को बड़ा झटका है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार का चीन पर डिजिटल स्ट्राइक किया गया है। इस बार केंद्र सरकार ने 47 नए चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है, वहीं 59 ऐप्स की क्लोनिंग कर रही है। जानकारी के मुताबिक टिकटॉक बैन होने के बाद चीन को बड़ा झटका लगा था, जिसके बाद अब सरकार ने एक साथ चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, जिनमें टिकटॉक, शेयरइट, कैम स्किनर जैसे कई पॉपुलर ऐप्स शामिल थे। वहीं अब सरकार ने अन्य 275 ऐप्स की लिस्ट बनाई है, जिसको वो जल्द ही बैन कर सकती है। बैन करने से पहले सरकार ये चेक कर रही है कि ऐप्स किसी भी तरह से नेशनल सिक्योरिटी और यूज़र प्राइवेसी के लिए खतरा तो नहीं बन रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जिन भी कंपनी का सर्वर चीन में है, उसे सरकार जल्द बंद कर सकती है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि लिस्ट में कुछ टॉप गेमिंग चीनी ऐप्स भी शामिल है, जिन्हें बैन किया जा सकता है। इस लिस्ट में शियाओमी के बनाए गए जिली ऐप, ई कॉमर्स अलीबाबा का अली एक्सप्रेस ऐप, रेसो ऐप और बाइटेंडेंस का यू लाइक ऐप शामिल है। एक शख्स ने बताया कि सरकार इन सभी 275 ऐप्स को या इनमें से कुछ ऐप्स को बैन कर सकती है। बताया जा रहा है कि कुछ ऐप्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है, साथ ही कुछ ऐप डेटा शेयरिंग और प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।